Assalamualaikum guys, welcome back to another video. इस वीडियो में हम अपने rivals यानी अपने best friend दुश्मनों को हराने वाले हैं. SKOP, Yusuf, 4R Venom और 4R Yahya. अब ये वैसे तो दोस्त हैं लेकिन फिर भी ये दुश्मन से कम नहीं, क्योंकि जब भी मैं इनके साथ मैच खेलता हूँ अक्सर हार जाता हूँ, तो इनको हराना बहुत ज़रूरी है. तो अपनी पूरी कोशिश करूँगा मिस्टर माइम के साथ. और मैं बिल्ड बता देता हूँ, इसकी बड़ी बैरियर फोकस बैंड है और जो नीले रंग का चश्मे है और नीला चश्मा जिसता है सोना है मुखरे थे. नीला चश्मा चॉइस पैक आई थिंक स्पेशल अटैक पैक सॉरी वो यूज़ कर रहा हूँ स्टैकिंग के लिए. एक स्टैक तो मैंने कर लिया, दूसरा स्टैक मैंने करा. और हाँ, ये वीडियो बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हो, मैं उर्दू में बना रहा हूँ, तो आई होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे वीडियो को. और बेसिकली मैंने ये रिकॉर्ड नहीं की थी गेम, लेकिन मेरे पास वो पास है ना, उसकी वजह से ये मैंने सेव कर ली. अब ये गेम ऐसी गेम है कि भाई मैं आपको ये भी बताऊंगा, इस पर मैं 1000 टाइटल बना सकता था कि आप कभी सरेंडर ना करो गेम, कभी आप दुखी ना हो, दुखी आत्मा बन के सरेंडर ना कर दो, गेम ना छोड़ दो, ऑलवेज गेम को पूरा करो एटलीस्ट फाइनल स्ट्रेच तक. तो इस गेम में बहुत ही मज़ा आने वाला है और इंजॉय करो यार आप लोग. चेकआउट अब ये 20 हमारे पास आ गई और 20 को मैं कुछ ले नहीं पाया, लेकिन एक अटैक मेरे पास आ गया था. जाएंगे स्टैक के लिए दोबारा, होंगे या स्टैक भाई. इस पर कोई लाइव कॉमेंट नहीं कर रहा. बेसिकली मैंने एक गेम प्ले पहले जो है सेव किया हुआ था, दोबारा से रिकॉर्ड करके आपके यू नो इन्जॉयमेंट के लिए दोबारा से एज अ लाइव कमेंट्री प्रेजेंट कर रहा हूँ. आई होप यू विल एंजॉय. और गाइस प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, चैनल को शेयर कर दो. कसम से 2000 सब्सक्राइबर नहीं भी हुए, फंस ही गए यार 1400 पे. सब्सक्राइबर तो बढ़वाओ. देखिए यहाँ को भाई मज़ा आया, कन्फ्यूजन कर रहे हैं, कन्फ्यूज कर रहे हैं. गए जाएंगे दोबारा स्टैक के लिए. 3-4 स्टैक कर लिए, आई थिंक 3 स्टैक आई थिंक यस. जो दो दो करे 3 लिए, तो 74 वहाँ बाकी है, तो 3 स्टैक कर लिए हैं. और लीड में तो जा रही वैसे उनकी टीम अभी तक, लेकिन ये स्ट्रेटजी के साथ इनको जो हमने हराना है यहाँ गाइस, वो आप लोग देख के कसम से 2 सब्सक्राइब कर दोगे, इतना मज़े का. खैर लेकिन अभी तो तेरा बैटरी लो है, रिकवरी के लिए जाना पड़ेगा. इधर और ये हमारा जंगलर गया, उनके जंगलर से हैवी गन यूज कर रहे हैं वहाँ पे वाटर गन. और ये ड्रैगन फॉल हाथ में, लेकिन किसी में डैमेज हो रहा है, मैं जाऊँगा इधर ड्रैगन फॉल के हाथों किया गया, लेकिन वो एंटेलियन के हाथों. खैर उसका डैमेज बहुत है, एंटीलियन इस बार कमाल का चल रहा है. बेसिकली जल्दी मैं एंटीलियन का गेम प्ले भी डालूंगा, क्योंकि मैं खुद भाई बहुत इंटरेस्टेड हूँ एंटीलियन का गेम प्ले डालने के लिए. ऊपर तो उन्होंने तरह तबाही मचा के रखी हुई है और नीचे तबाह कर भी दी है. खैर अब ये पहला ऑब्जेक्टिव है, ये लोग आसानी से कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारा तो कोई टीम है डीजे नहीं है जो इवेंट ड्राइव कर सके सी के लिए. तो स्टार्ट से तो ये डोमिनेट में जा रहे थे भाई, आप देख सकते हो. लेकिन हमारा जो प्लान है वो बेसिकली अब टॉप लेन के ऑब्जेक्टिव क्लियर करने का, देखते हैं कर पाते कि नहीं. अब ये गाइब छुपली तो मेरे साथ ही है. अब मार्क क्रैश और बेसिकली ये SKOP जो एम्ब्रियन है ये भी पाकिस्तान से है, और ये जो ड्रैगन बेल्ट है ये भी, और आई थिंक और ये सिर्फ जेराडो के अलावा बाकी सारे पाकिस्तानी हैं यार, ये बता देता हूँ मैं आपको. बेसिकली ये हम सब हमारे फ्रेंड ही हैं, और कसम से डीठता के साथ बगैर किसी शर्म के गोल तोड़ दिए इन्होंने हमारे पहले दो. इसलिए यार थोड़ा बड़ा ही ग्रज है, अच्छे प्लेयर हैं लेकिन इनको हराना चस आती है यार. लेकिन दूसरा ऑब्जेक्टिव इन्होंने सिक्योर कर लिया, तो हराना तो मुश्किल है इनको यार, इसमें कोई बात नहीं है. लेकिन इस बार हरा के छोड़ेंगे. अपना स्लैश भाई हमारे साथ है, ये फाइज भाई, ये इंटेलियन, और मैं हूँ मिस्टर माइम. अब डिफेंड कर रहा हूँ मैं, देखो मैं डिफेंड कर पाते हैं कि नहीं इसको ऑब्जेक्टिव को रजेलीगी से, बिकॉज हम यहाँ पर स्कोर डेफिनेटली नहीं चाहते. ओ भाई क्लोज आ गया मिस्टर माइम का. यार मैंने इतना एक्सपीरियंस खेला जब तक गेम, मैंने ये हिसाब लगा लिया कि इसका लेवल जल्दी आप नहीं होता यूनाइट मूव के लिए. मैंने सिर्फ मैक्सिमम भी आई थिंक 3 इसको यूनाइट मूव यूज़ किया होगा बस एक सिंगल गेम के अंदर. आई थिंक आप इसको एनर्जी एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हो कूल डाउन के लिए. और ये अच्छा ट्रैप गया यहाँ पे, ड्रैगन बोल्ट की गेम बच सकती है. ये बूम एंटीलियन ने अपने गोलियों से छल्ली कर दिया है ड्रैगन बोल्ट को, और ये पहला आई थिंक हमारे लिए अच्छा एडवांटेज गिल हुआ है.
लेवल के लिए। और ये दूसरा भी आई थिंक डिसिजुआ ने गिल्स कर दिया जबरदस्त गोल करेंगे। नाइस नाइट मूव बाय जिनेट डिसिजुआ राइट ऑन द फेस, मैंने दीवार से बचाया, बड़ा मजा आया। और थिंक मैं भी उधर गया, बच गया बच गया, क्या बात है भाई बच गया। चलो दोबारा देखते हैं कोई किल निकाल सके। नहीं ड्रैगापल्ट भाई, अब ड्रैगापल्ट की स्ट्रीक निकलेगी यार, स्ट्रीक ले गया यार जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन ट्रियो तो वैसे ही बैठ गए। क्वार्टर किल वाओ, याग्या को पकड़ लेना, ये ड्रैगापल्ट है बहुत होशियार हो रहा है, इसको फाइनल सेट में देख लेंगे। फाइनल सेट में तो आप भाई जो प्लान है हमारा बेसिकली है कि जैसे ही मैंने फाइनल स्टेज में जाना है तो अपना जो यूनाइट मूव एंड के दो से तीन मेंबर पे चलाना, और हमारे सारे जो मेंबर एंटीलियन और एटलीस्ट डेल्फ बॉक्स ये टूट पड़ेंगे अपने यूनाइट मूव के साथ उन पे। अभी देखते हैं कि शतक प्लान हमारा कामयाब होता है, लेकिन फिलहाल तो मैं फार्म कर रहा हूँ क्योंकि लेवल बहुत ही बिलो है यार मिस्टर मैन के। लेकिन ऊपर तो फाइट पहले टूट चुकी है, ऊपर खेल्स हो रही हैं यार, डेल्फ बॉक्स ट्रबल में है, मुश्किल में। और बहुत बेहतरीन किस्म का शेडिंग डॉल, लेकिन डी नाइट तो उसको भी ले जाएगा यार, नाइस प्ले बाय डी नाइट। और ये यूनाइट मूव मेरी तरफ से टू किल स्ट्रीक बाय द इंटेलियन, और ग्रेट यूनाइट मूव बाय डी नाइट ऑल्सो। अब हमारी टीम में कुछ जज्बा लग रहा है जीतने का, कोई फीलिंग आ रही है, इनर फीलिंग। और ये गोली बरसात जा रही है यार टेलन की, एम ब्रियोन को टेक डाउन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं रहा है। और माई गॉड वी ऑल्सो टुक डाउन द ड्रैगापल, और इंटेलियन की भी इधर गेम बजानी पड़ेगी। और भाई नाइस एफ स्टैक्स का माल देख लो कितना स्पेशल अटैक डैमेज हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द स्टैकिंग बिल्ड ऑन द मिस्टर माइंड। ये भी तो कम करेंगे पहले गोलियां मार के और आग उगलाल के, क्योंकि गरम गरम आग से पिघला देंगे सब्जेक्टिव को। सैड जरा ऑर्डर को पकड़ लिया हमने, और देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट हम ले पाते हैं या नहीं। अम्ब्रियों जो है लो है, कैच हो गया 5 मिनट में, और किल नाइस 3 किल स्ट्रीक। और ये आखिरकार पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारे नाम आ चुका है, ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारा अच्छा कम बैक हो सकता है। ड्रैगापल्ट इधर, ड्रैगापल्ट नाइस बॉल के साथ रोक दिया ड्रैगापल्ट को मूव करने से, और गया इधर खेल अपना। डी नाइट तो भाई पागल वैश्य हो गया, तो आई थिंक हमारे लिए गुड अपॉर्चुनिटी स्कोर करने के लिए। ये लो भाई नाइस ओवरटेक, 30 का ओवरटेक दिया एटलीस्ट, दैट इज़ वेरी गुड। So guys, I think we should back up now. वापिस आवे टुल्लू के पट्टे से जो है वापिस आ, फाइनल स्ट्रेच आने वाला है। आप चुप करके मैं यहाँ पे रिकॉल करूँगा, थोड़ा सी एचपी रिकवर करूँगा और भाई सेंटर में आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो अपना यूनाइट मूव है, डेल्फोक्स के पास भी अब आ गया। ऑब्जेक्टिव के लिए उतर गए थे भाई, लेकिन उनको बुला लिया कि भाई नहीं, क्योंकि हम तब वॉइस में बात भी कर रहे थे, तो मैंने इनको बुला लिया भाई बुश के अंदर। मैंने इनको बताया कि जैसे ही मैं यूनाइट यूज़ करूँगा आपने अपने यूनाइट यूज़ कर देना है, क्योंकि डेल्फोक्स और एंटीलियन तो मेरे साथ ही थे, तो वो मेरे साथ ही पीछे बैक लाइन पे खड़े भी हुए थे मिल ब्रांड एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि हम ट्रियो खेल रहे थे, बाकी दोनों का पता नहीं। और ये जैसे ही मैंने यूनाइट मूव यूज़ किया, उन्होंने भी यूनाइट मूव यूज़ करके बेरा गरक कर दिया, बिल्कुल वैशी कर दिया काम। एंटीलियन भी गया 2 किल्स, और ये ड्रैगापल्ट को पकड़ना मुश्किल है थोड़ा सा, देखते हैं बच पाता है कि नहीं। ड्रैगापल्ट जरा निकल गया है, लेकिन हम रिप करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो कई प्लान देखो, उनको हिलने नहीं दिया, और ये नाइस किल बाय द इंटेलियन। प्लान हमारा यही है कि बस छील देना, और ये आ गया भाई रेकवाजा। ये था भाई मैच फिप स्ट्रैटेजी, जैसे ही हुआ है मैंने अल्ट के साथ उनको स्टन किया और खोल दिए बाकी सारों ने अपने अल्ट पे, मुझे जाएगा स्कोर। देखता हूँ कि काश मैं कर पाऊँ स्कोर, और ये शील का था स्कोर, बूम 78 एटलीस्ट आई थिंक, ऊपर से तो गोल पार गए हैं, इनफ हो सकता है हमारे लिए। डी नाइट की अनफॉर्चुनेटली शील्ड टूट गई है, लेकिन कोई मसला नहीं इसमें, आई थिंक मैं इधर घर जाऊँगा बिना चले डायरेक्ट टू होम। और उनकी पूरी टीम अब नीचे आ रही है भाई फुल स्पीड के साथ, हमें डिफेंड करना होगा। लीड तो अच्छी खासी आ गई है, लेकिन तब हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैं कहता यार डीट का मैं स्कोर नहीं बनने देना। ये बेहतरीन यूनाइट मूव यूज किया फाइज ने, और यह हमारा कुरैश भी बहुत ही हेल्पफुल रहा है इस मैच में, हमने पूरी अच्छी तरह डिफेंड किया, और आप देख सकते हैं कि इस तरह भाई बारी बारी करके हम गेम बजा रहे हैं उनकी। तो बिग लीड थी जहाँ पे, जिसकी वजह से हमने आखिरकार अपने बिगेस्ट राइवल्स या मेरे राइवल्स को हरा ही दिया,
वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान, और बहुत शुक्रिया एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए और सब्सक्राइब हो तो चैनल को, यार स्टैट्स आपके सामने हैं, ये स्ट्रेटजी ट्राई करो, अगर आपने इसको और से सस्तू बनाना है, टीका जो भी ट्राई करो।